अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक किया जाता है, वो भी सिर्फ एक मिनट में। आपको एक मिनट में मैं दिखाऊंगा कि आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक किया जाता है। सबसे पहले आपको इस पेज पे आना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च कीजिए इनकम टैक्स, और बाद में आपको ई फाइलिंग होम पेज पे आना पड़ेगा, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख ही रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे लिंक बन दिए वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिंक दिए वाली है, हम इसे लिंक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और ये देखिए इनका डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये साइड है उसकी, ये ई फाइलिंग की साइड है, आप इस पे आ सकते हैं। और उसके चलते यहाँ पे देखिए एक आधार कार्ड लिंक आधार कार्ड बोल के यहाँ पे एक लिंक दिए वाली है, हम यहाँ पे उसे लिंक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ से मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। बड़ी ही सिंपल प्रोसेस है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको पैन कार्ड आपका जो नंबर है वो डालना पड़ेगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जो आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालना पड़ेगा, बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो इमेज है वो कैप्चा है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा पैन कार्ड नंबर डालता हूँ और मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल्स भर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं डेट ऑफ बर्थ अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में मुझे कैप्चा डालना पड़ेगा, मैं वो कैप्चा डालने की कोशिश कर लेता हूँ फटक से। और यहाँ पे देखिए लिंक आधार कार्ड, इस प्रोसीजर में मैं क्लिक कर लेता हूँ। चलिए ये देखिए मेरे आधार कार्ड जो है मैंने लिंक सक्सेसफुली कर दिया है। इसी प्रकार से आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक